अलैकुम। सहरी का टाइम है, सब टाइम हो रहा है 3:25। मैं 3 बजे तैयारी शुरू कर चुकी थी, 3:05 पे गैस आई, तो यहाँ पे मसाला मैं भून रही हूँ, आलू अंडे बना रही हूँ मैं। और उसके लिए सबसे पहले मैं मसाला भून रही हूँ, दूसरी साइड पर मैंने आलू और अंडे बॉईल करने रख दिए हैं। ये बन जाएगा तो इतने मैं तहज्जुद और कुरान पाक पढ़ लूँगी। हाँ जी जनाब, तो सालन रेडी हो गया। आज मैंने उसको प्रॉपर टाइम दिया है कि मैं बिल्कुल भी 1 मिनट भी उसको छोड़ूंगी नहीं। तो सालन रेडी हो गया, इस वक्त बज रहे हैं 4 और मैं पढ़ रही हूँ अब तहज्जुद की नमाज़, उसके बाद कुरान पाक पढ़ना है। और ठीक 4:30 या 4:35 पे ना मुझे फिर पराठे बनाने हैं, पराठा बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी तैमूर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने तहज्जुद से। ये रहा आलू अंडे का सालन, ठीक है जी। चूल्हा बंद कर दिया मैंने। नमाज कुरान से मैं फ्री हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ तैमूर को जगह में, ये मुझे सहरी बनानी है। तैमूर, जैसे जैसे रमज़ान करीब आ रहे थे, एक्साइटमेंट थी कि हम दोनों का साथ पहला रमज़ान है, बट मैं परेशान थी कि मैं किस तरह से सहरी में मैनेज करूँगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम सहरी बना रही हूँ, कभी बनाई नहीं, अम्मी ही बनाती थी हमेशा। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं यार, इतना कोई मुश्किल नहीं है, आसान करते हैं इसको, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मैनेज हो गया सब कुछ। पहले मैं ना तैमूर के लिए रोटी बनाती थी, बाद में पराठा, लेकिन अब मैं पराठा बनाती हूँ और बाद में रोटी, ताकि उससे तवा जो है ना वो साफ़ हो जाता है। और क्योंकि मुझे पता है तैमूर ने खाना ही नहीं है, उन्होंने मेरे साथ ही खाना होता है। मैं पहले रोटी देकर भी आ जाती थी ना, तो वो ऐसे ही बैठे रहते थे कि आप आएंगे तो फिर हम एक साथ ही खाएंगे। तो मैं कभी कभी कहती थी कि आप खा लिया करें, लेकिन फिर मुझे भी अच्छा लगता है साथ खाना। हाँ जी जनाब, मैंने बर्तन भी वॉश कर दिए हैं, तैमूर के ऑफिस के कपड़े भी प्रेस हो गए हैं, और मैंने कपड़े भी सर्फ में भिगो दिए। अब मुझे फजर की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद मैं सो जाऊंगी, क्योंकि मैं सोई ही नहीं हूँ, 3 बजे से कामों में लगी हुई थी। तो अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ज़ोहर में। हाँ जी जनाब, सफाई कंप्लीट हो गई है और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। हाँ जी, तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं जा रही हूँ किचन में इफ्तार की तैयारी करने। लेट्स सी क्या क्या बनाते हैं इफ्तार में, तो बनाना शुरू करती हूँ। फ़ोन को मैं थोड़ा चार्ज कर लूँ, आज मैंने चार्ज ही नहीं किया। यहाँ पे ना मैं दही बड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और तैमूर भी आ गए थे किचन में। तैमूर ने कहा कि चले आए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो मैंने दही बड़े बनाने थे, और इसके अलावा शरबत बनाना था, तो शरबत तैमूर ने रेडी कर दिया था। ब्राउन शुगर डालते हैं हम लोग अब शरबत में, ताकि चीनी ज़्यादा ना खाई जाए हमसे। तो यहाँ पे तैमूर शरबत रेडी कर रहे हैं, और फिर मैंने फ्राई करने वाला तमाम काम कर लिया था खुद। हाँ जी जनाब, इफ्तार का सारा काम हो गया, तैमूर आ गए थे, मेरी काफ़ी हद तक हेल्प हो गई, और टेबल पे सारे इफ्तार भी लग गई है, मैंने बर्तन भी कंप्लीट कर दिए हैं, और बस एक भगोना रह गया, बाकी सारे बर्तन धुल गए। जी यहाँ पे हमारा किचन हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने मगरिब की, और फिर रेस्ट करेंगे। यही होता है, नमाज मगरिब की, और इसके बाद ना बस दिल करता है लेट जाए। रोज़े में सही रहता है इंसान, लेकिन रोज़े के बाद इतनी कोई थकन हो जाती है ना, जैसे आपने इतना कोई काम किया, बॉडी बिल्कुल थक जाती है आपकी। तो नमाज पढ़ते हैं मगरिब की हम। इसके बाद तैमूर आ गए थे तरावी पढ़कर, और वो बिरयानी लेकर आए थे, हम लोगों ने खाना खाया। और ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।